हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए संस्कृत में अनुवाद कैसे करें ये आपके लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि बच्चों की तरह आप कैसे संस्कृत में अनुवाद करेंगे। ठीक है, हिंदी को हम लोग संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे, बिल्कुल आसानी तरीका से हम आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपका, ये तो ऐसे आप ऑल क्लास में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं जैसे मैं लिख दिया हूँ 8th, 9th, 10th, ठीक है ना, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जब तक ले आप अनुवाद करना संस्कृत में नहीं जानिएगा, तब तक आपको संस्कृत समझ में नहीं आएगा और आप अपने मार्क्स एग्जाम में अच्छे नहीं स्कोर कर पाएंगे, जब तक आपको ये संस्कृत में अनुवाद करने नहीं आएगा। और क्लास 9th या 10th की बात करें तो उसमें भी आपका 6 नंबर का ये जरूर ही क्वेश्चन आएंगे, संस्कृत में अनुवाद आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से, एकदम 0 लेवल से आपको सिखाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा भी आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, तो जैसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कर्ता, तो हम इसमें आपको कर्ता के बारे में पहले बताएंगे। ठीक है, कि सबसे पहले तो कर्ता ही ना चुनना पड़ता है। जैसे कोई बोलेगा कि वह खेलता है, ठीक है ना, तो इसमें आपको सबसे पहले वह का जानना पड़ेगा, यानी कि कौन खेलता है भाई, तो वह खेलता है, तो वह का आप संस्कृत पता होगा आपको तब ना इसके बारे में, तो पहले आपको तो वह का लिखना पड़ेगा ना। वह का जो होता है दोस्तों स होता है, ठीक है ना, तो ये कैसे होता है ये आपको पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट जानना पड़ेगा, कर्ता जानना पड़ेगा और कर्ता का संस्कृत जानना पड़ेगा तब ना आप लिखेंगे, उसके बाद में फिर क्रिया के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, तो वो जानेंगे। ठीक है, उसके बाद लकार जानेंगे तभी तो जाके आप अनुवाद कर पाएंगे। ऐसे इसका होगा स खेलती, ठीक है ना। अब ये कैसे हुआ, हम बना दिया, हमने इसको संस्कृत में अनुवाद कर दिया कि वह खेलता है स खेलती, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। चलिए ये हम सीखेंगे कि संस्कृत में ये कैसे हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद आसानी से कर दे रहे हैं, आप भी सीख जाएंगे, बस बिल्कुल हमारे साथ आपको बने रहना है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हम कर्ता जो होता है ये 9 है, ठीक है, कितने हैं जी 9 है और 6 और होते हैं, वो भी हम थोड़ी देर में आपको लिखते हैं, तो पहले इसको जानते हैं। ठीक है, स मतलब वह होता है, ये पुलिंग के लिए होता है, पुरुष के बोध होगा तो स मतलब वह होता है, ठीक है, और सा मतलब वह होता है लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। ओके, कैसे, जैसे कोई कहेगा कि वह पढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे वह पढ़ता है और कोई बोल दिया कि वह पढ़ती है, तो देखिए यहाँ पे आपका वह दोनों में है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे वह पढ़ता है ये पुलिंग को दर्शा रहा है, इसमें वह पुलिंग के लिए हो रहा है, वह पढ़ता है कोई लड़का को आप बोलिएगा, वह पढ़ती है कोई लड़की को आप बोलिएगा ना, तो ये स्त्रीलिंग के लिए हो गया। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है, पुलिंग के लिए क्या होता है, ये तो आपको जानना पड़ेगा ना, इसलिए मैं लिख दिया हूं स मतलब वह पुलिंग के लिए होगा तो आपको स लिखना होगा, अगर स्त्रीलिंग के लिए होगा तो सा लिखना पड़ेगा वह के लिए। ओके, ये तो आप समझ गए, चलिए ये तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से समझ गए, ये तो आपको पता चल गया। अब चलिए और भी कुछ है उसको जानते हैं। तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवा मतलब हम दोनों, वय मतलब हम लोग। ठीक है, ये आपको लाइन, ये देखिए नंबर सीधे आपको याद करना पड़ेगा, कि जैसे मैं बोल दिया कि मैं का बताइए, तो मैं का आपको पता होगा कि अहम, कितना नंबर भाई, तो ये आपका 7 नंबर होता है। अवाम, अवाम मतलब क्या होता है, हम दोनों, तो हम दोनों कितना नंबर होता है भाई, तो 8 नंबर होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो सीख गए। अब इसके बाद 6 और होते हैं, चलिए उसको भी हम 6 जान लेते हैं। जैसे एक नाम होगा, ठीक है दोस्तों, नाम होगा चाहे वस्तु होगा या कोई स्थान का होगा नाम, ठीक है ना, एक वस्तु या स्थान कुछ भी हो तो 1 नंबर लगाएंगे। 2 अगर नाम हो या कोई वस्तु हो
या कोई स्थान हो, ठीक है, तो वहां पे दो नंबर यूज करेंगे। दो से अधिक होगा दोस्तों, ठीक है, दो से अधिक होगा, दो से अधिक, ठीक है, क्या है तो नाम हो या फिर वस्तु हो या फिर कोई स्थान हो, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है दोस्तों, ये तीन नंबर यूज करना है। और ये चार नंबर क्या यूज करना है, तो दो से ये तो हो गया, चार नंबर होता है दोस्तों भवान। भवान मतलब होता क्या है दोस्तों, आप, ठीक है, और पांच नंबर होता है भवन, भवंतव, ठीक है, तो भवंतव मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भवंतव है, भवंतव मतलब आप दोनों, ओके। और एक और है दोस्तों छह नंबर भवंत, ये भवंत मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग होता है, क्या होता है, आप लोग, ओके। तो ये छह सूत्रीय होते हैं, तो ये नौ और ये छ, ये नौ छ आपको तो एकदम याद करना पड़ेगा, नौ छ करने आपको आना चाहिए, अगर नौ छ करने आता है तो आपको संस्कृत बनाने आएगा, संस्कृत में अनुवाद करने आएगा, नौ छ जानना पड़ेगा, ठीक है, यानी ये नौ सूत्र ये छ सूत्र। आगे सीखते हैं, थोड़ा लकार सीखते हैं भाई, तो ये दस पांच की बात हो रहा है क्या, यानी लकारों की कुल संख्या कितनी होती है दस, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है पांच, ठीक है, तो इसमें नौ छ की चर्चा है, इसमें दस पांच नौ छ जानना पड़ेगा आपको और दस पांच करने आना चाहिए, ठीक है, यानी दस में से पांच पढ़ना है, तो कौन कौन से पांच पढ़ना है भाई, तो लट लकार वर्तमान काल, लुट लकार कोई आज्ञा अनुज्ञा की बात की जाएगी तो लुट लकार यूज करेंगे, लंग लकार यानी कि भूतकाल होता है, यानी कि बीता हुआ बात को दर्शाएगा, तो भूतकाल यानी लंग लकार के यूज करेंगे, और लीट लकार यानी भविष्यत काल, कोई भी भविष्य की बात की जाएगी तो आपका लीट लकार का यूज किया जाएगा, और विधिलिंग लकार दोस्तों है यानी विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में किया जाता है, तो ये सब लकार हम सीखेंगे, ठीक है, तो चलिए हम पहले लकार की आज बात करेंगे, ठीक है, और इसको आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेकर अच्छी तरह से लिख लीजिए, अपना नोट्स तैयार कर लीजिए और अच्छी तरह से हम बनाएंगे और आपको सिखाएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग ये लट लकार कैसे, हम लोग लट लकार को सीखेंगे, कैसे याद करेंगे और इसका यूज करके कैसे हम लोग हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से, चले सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि लट लकार होता है वर्तमान काल, जहां कहीं जैसे मतलब लास्ट में मान लीजिए कि ता है, ठीक है ना, ता है, ती है, अगर दिया रहेगा, ठीक है, या फिर ते है, ठीक है, ये सब अगर होगा ना दोस्तों, ता है, ती है, ते है, तो इसका ज्यादातर यूज किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब वर्तमान काल में जितने भी आते हैं ना उस सब के लिए ये लट लकार का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं हम, तो पहले लट लकार में ये देखिए दोस्तों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वचन तीन तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और ये पुरुष की बात किया जा रहा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये आपको याद करना पड़ेगा, ओके। और लकार क्या है भाई, तो ती त अंति, सी थ थ, आमी आव आम, ठीक है, ती त अंति, सी थ थ, आमी आव आम, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी जिस तरह से ये नौ सूत्र लिखा गया है इसी तरह से इसमें भी नौ सूत्र है, ठीक है, और ये छह है आपको पता होनी चाहिए, ये नौ छ आपको आना चाहिए, नौ छ करने आना चाहिए, ठीक है, और ये भी नौ की बात हो रहा है, ज्यादातर इसमें नौ की ही चर्चा होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग कैसे संस्कृत में अनुवाद करेंगे ये सीखते हैं। तो देखिए हम संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ हिंदी में वाक्य लिख दिए हैं, इस वाक्य को हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे चलिए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पहले मैं, तो ये करता है ना भाई, तो करता है यानी कि सब्जेक्ट है, तो इसका हमें संस्कृत जानना पड़ेगा पहले, तो इसके लिए तो मैं आपको पहले सिखा दिया हूं ना कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना, तो ये आपको सिखा दिया गया है। तो देखिए क्या सिखाया गया है, मैं का देखिए यहाँ पे लिखा हूं अहम, मतलब मैं, सात नंबर होता है, तो मैं का क्या लिखा भाई, अहम, तो लिखिए ना अहम, ठीक है, अहम, ठीक है, तो ऐसे आप ऊपर शून्य लगा सकते हैं, ये भी अहम हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर आपको मन नहीं है तो आप इसको म लिखकर ऐसे लिख सकते हैं अहम। और पढ़ना का क्या होता है दोस्तों, तो कुछ आपको धातु रूप दोस्तों याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिया, क्रिया
ठीक है ना, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में धातु रूप होता है, ओके, और इसको अंग्रेजी में हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो धातु रूप में कौन कौन सा होता है थोड़ा सा देखते हैं, इंपॉर्टेंट। पठ माने होता है दोस्तों पढ़ना, पठ माने पढ़ना, ये आपको जानना पड़ेगा दोस्तों। और गच्छ मतलब क्या होता है दोस्तों, जाना, जाना का होता है गच्छ, ठीक है ना। हंस मतलब क्या होता है दोस्तों, हंसना, ये सब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। और खेलना का क्या होता है दोस्तों, क्रीड होता है, क्रीड मतलब खेलना, या फिर खेल माने भी खेलना होता है, इस तरह से आपको। तो पहले हमें क्या जाना है भाई, पढ़ना, तो पढ़ना क्या क्या होता है दोस्तों, पठ माने पढ़ना, तो आप लिख दीजिए पठ, ओके, ये पठ, पठ माने पढ़ना होता है, तो पठ लिख दिया। चलिए ये इतना हम तो सीख गए कि पढ़ना के पठ हम लिख दिया, ओके, और मैं का अहम लिख दिया। अब इसमें देखिए ता है ती है ना, लास्ट में देख रहे हैं ना आप, तो हमें लट लगा के यूज करना है। तो अब क्या है, मैं कितना नंबर था भाई, अहम तो 7 नंबर था ना, तो 7 नंबर में ती तो अंति वाला यानी ता है ती है रहेगा, ये वर्तमान काल में आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका लट लगा के यूज करना है, तो ये 7 नंबर, तो इसमें भी 7 नंबर का ही यूज करना है। तो देखिए ती त अंति सी थामा, यानी 7 नंबर में कौन सा है सर दोस्तों, आमी लिखा है, क्या लिखा है, आमी लिखा है, इस तरह से आमी। तो इसमें देखिए प अठ अ आ गया ना, यानी ठ में तो अ होबे करता है, तो अ ये नहीं लिखाता है, केवल ये पाई है तो पाई लगा दीजिए, मी है तो मी लगा दीजिए, ये बन गया। देखिए कितना आसानी से हमने बना दिया, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। राम देखिए, तो राम कोई लड़का का नाम होता है, तो इसमें विसर्ग लगा दिया जाता है राम। और खेलना क्या भाई, खेल माने खेलना, या क्रीड माने खेलना, खेल मतलब खेलना होता है दोस्तों, ठीक है, खेल मतलब खेलना आप लिख सकते हैं, या क्रीड माने भी खेलना होता है दोस्तों, ठीक है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, क्रीड भी लिख सकते हैं, तो चलिए खेल ही यूज करते हैं, ठीक है, दोनों सिखा देते हैं आपको। तो खेल मतलब खेलना हो गया, तो हम राम, तो यहाँ पे अब देखिए एक नाम है, तो एक नाम है, देखिए यहाँ पे एक नाम होगा तो एक नंबर यूज करना है भाई, ती तो अंति में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ती, इसमें जोड़ दीजिए ना, ती बन गया। राम खेलती, राम खेलता है, या फिर अगर क्रीड का अगर यूज करते हैं, जैसे क्रीड माने भी खेलना होता है, क्रीड, तो क्रीड में भी तो ती ही जोड़ना है ना, राम एगो लड़का का नाम है तो एक नंबर, ओके, राम क्रीडती या राम खेलती, हो गया। वह के लिए क्या होता है दोस्तों, स होता है, पुलिंग के लिए, ठीक है ना, जाता है यानी लड़का के बोध हो रहा है, तो पुलिंग के लिए स मतलब वह, एक नंबर है ना, देखिए यहाँ पे एक नंबर है, तो ताहे तीहे के लिए लट लगा के यूज करना है, एक नंबर में क्या लिखा है, ती, ती, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये विसर्ग नहीं होता है, ये थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, ती होता है, इसमें बिंदु नहीं होता है, विसर्ग नहीं होता है, ती त अंति सी थ थ आमी यम, और सब ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, सुधार लीजिएगा। तो स हो गया, और देखिए जाना का दोस्तों क्या होता है, गच्छ लिख दीजिए, अच्छा गच्छ, गच्छ मतलब जाना। अब देखिए यहाँ पे एक एक नंबर वह है ना, देखिए वह एक नंबर में है ना, तो एक नंबर में क्या लिखा है भाई, ती लिखा है, तो ती जोड़ दीजिए ना, बन गया स गच्छती, वह जाता है। हम लोग का क्या होता है भाई, देखिए वह हम लोग का वयम होता है, देखिए वह वयम क्या होता है दोस्तों, वयम, तो लिख दीजिए यहाँ पे वयम, आप ऊपर लगा सकते हैं म को, यहाँ म लिखिए या फिर ऊपर शून्य लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना के क्या होते हैं दोस्तों, पठ माने पढ़ना, और यहाँ पे देखिए वयम कितना नंबर है भाई, वयम कितना नंबर, 9 नंबर, तो 9 नंबर में ताहे तीहे के लिए लट लगा यूज करना है, 9 नंबर में क्या है, आम, क्या लिखा है, आम लिखा है, इस तरह से आम। तो देखिए अब यहाँ पे प अठ अ, यानी छ में तो अ आता ही है, तो ये अ हट जाता है, पाई लिखा है ना तो पाई लगाइए, म है तो म लगाइए, दुगो विसर्ग है तो दुगो विसर्ग, एक विसर्ग है तो एक विसर्ग लगा दीजिए, बन गया। हम लोग पढ़ते हैं वयम, क्या होगा, वयम पठाम, क्लियर। आप अब हमें आशा है कि थोड़ा थोड़ा आप संस्कृत सीख रहे हैं, ठीक है। वह के लिए क्या दोस्तों यूज करना है, यहाँ पे सा, अब कहिएगा दोस्तों, आप कहिएगा कि सर आपने सा कैसे लिख दिया, क्योंकि भाई स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग के लिए देखिए वह का सा होता है, और जाना का क्या होता है दोस्तों, जाना का देखिए गच्छ होता है, तो जाना के आप गच्छ लिख दीजिए। चलिए ये हमने लिख दिया गच्छ, ठीक है, और सा कितना नंबर में है दोस्तों, एक नंबर में, तो ती तवंती के लिए, सॉरी ताहे तीहे के लिए हमें लट लगा के यूज करना है, तो एक नंबर में क्या है भाई, ती लिखा है, तो ती जोड़ दीजिए, हो तो गया, बस बन गया। वह जाती है सा गच्छती,
ओके, मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ामी, राम खेलता है, रामक खेलती या रामक क्रीडती, वह जाता है स गच्छति, हम लोग पढ़ते हैं वयम पठामा, वह जाती है सा गच्छति। देखिए तो कितना आसानी से आप सीख लिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको जितना चीज सीखना था हमने आपको बताया, ये कुछ धातु रूप हमने आपको सिखाया, ये धातु रूप कुछ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ धातु रूप होते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद करें, उसके लिए हम पांच वाक्य लिख दिए हैं, ठीक है। इस पांचों वाक्य को आपको अब संस्कृत में क्या करना है, हम जैसे जैसे अनुवाद किए हैं उस तरह से आपको अनुवाद करना पड़ेगा, और अनुवाद करके और उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको संस्कृत में अनुवाद करने आया या फिर नहीं आया, ठीक है। चलिए एक और समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम तुम का बता दे रहे हैं, तुम, ये इसको बता देते हैं और आप खुद से बनाइएगा। तो ये सब तो हमने बताया, हम लोग, वाह राम, तुम लोग, ये सब तो हमने बताया। चलिए तुम को बताते हैं, तुमको क्या होता है भाई। देखिए तुम का त्वम होता है, देखिए यहाँ पे तुम का त्वम लिखे हैं, त्वम लिख दीजिए, ठीक है, ओके। और खेलना के हम बताए थे ना, खेल मने खेलना या क्रीड मने खेलना, था खेल लिख देते हैं, और खेल मतलब हो गया। ये तुम कितना नंबर भाई है, तो देखिए तुम कितना नंबर होता है, चार नंबर। तो ताहे ती है, देखिए लट लकार में चार नंबर क्या लिखा है भाई, तो सी लिखा है, तो बस सी जोड़ दो, बस ये तो बन गया ना। देखिए तुम खेलते हो तो हम खेलसी या तो हम क्रीडसी, ठीक है ना। इस तरह से ये सभी को आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करिएगा तभी तो आपको ये हिंदी से संस्कृत में बनाने आएगा, ठीक है। तो वीडियो, ये हमारा वीडियो कितना था, ये पार्ट वन था, ठीक है। इस तरह से पार्ट बाय पार्ट करके हम सभी लकार को आपको सिखाएंगे और इस तरह से अनुवाद करके सिखा देंगे आपको अनुवाद, ठीक है। थोड़ा भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि संस्कृत में कैसे अनुवाद करें। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो पहली बार आया है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अच्छी तरह से देखें और सीखें, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।